नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और उसके साथ ही घंटा भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, अचानक से सभी के फोनों में WhatsApp के अंदर एक नोटिफिकेशन शो हो रहा है जहां पर लिखा हुआ है WhatsApp अपने टर्म एंड कंडीशन को चेंज करने जा रहा है और आखिरकार जो नहीं होना चाहिए था वही हो रहा है। तो WhatsApp यूजर प्लीज इस वीडियो को केयरफुली एंड तक जरूर देखें क्योंकि उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेहराना, आप देख रहे टेक अज्ञान चैनल, चलिए आज का ज्ञान शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सीधे मुद्दे पे आते हैं कि अचानक से WhatsApp के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन शो हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो सभी के फोन में अभी तक नहीं आया है, लेकिन जल्दी जल्दी सभी के फोन में शो हो जाएगा। तो वहां पर लिखा हुआ है WhatsApp अपने टर्म एंड कंडीशन को चेंज कर रहा है, जल्दी से आप इसको एग्री कर लीजिए या फिर नॉट नाउ। और पर दो ही ऑप्शन आपको मिलता है, एग्री और नॉट नाउ। अगर आपने एग्री कर दिया तो आपने एग्री कर दिया, अगर आपने नॉट नाउ कर दिया तो ये मत सोचिए आपने एग्री नहीं करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, आपको 8 फरवरी तक सोचने का मौका दिया जा रहा है। 8 फरवरी के बाद आपको एग्री करना ही पड़ेगा। अगर आपने एग्री नहीं किया तो आपका WhatsApp अकाउंट भी बंद हो सकता है। तो आखिरकार ये कौन सा चीज हमसे एग्री करवा रहा है? तो मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर चीज क्या है। तो एक लाइन में बताओ तो फेसबुक व्हाट्सएप के अंदर भी अपना रंग फैला रहा है। आखिरकार व्हाट्सएप ने अपना रंग दिखाई दिया। हम जिस व्हाट्सएप को इतने दिन से पहचानते थे, इतना सिक्योरिटी मानते थे, वो अब नहीं रहा, इतना समझ लीजिए। क्या हुआ, फेसबुक ने कह दिया कि अब व्हाट्सएप का पूरा एक्सेस हम ले रहे हैं। वहाँ पर जो थर्ड पार्टी जो इन्फॉर्मेशन है या फिर खुद व्हाट्सएप का इन्फॉर्मेशन, वो लोग हम ले रहे हैं। जैसे कि समझ लीजिए, व्हाट्सएप में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं बैंक अकाउंट से, अब तो समझते हैं पेमेंट वगैरह तो WhatsApp में आ ही गया है, तो उसका भी वो लोग इन्फॉर्मेशन वहां से उठाएगा। कौन सा क्या आप पेमेंट कर रहा है उसका इन्फॉर्मेशन उठाएगा। सबसे शॉकिंग बात है कि थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके फोन पे मोबाइल नंबर, आप कैसे अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपकी डिवाइस इन्फॉर्मेशन, आपका IP एड्रेसेस और बहुत कुछ फेसबुक आपके फोन से उठा लेगा। और आप तो जानते ही है फेसबुक का हिस्ट्री क्या है और क्या उसने किया डेटा के साथ। तो मुद्दे की बात यही है कि WhatsApp अब हमारा पुराना WhatsApp नहीं रहा, जिसके ऊपर अब आँख बंद करके विश्वास कर लेते थे। तो पता नहीं फेसबुक ने नहीं समझा कि हम कितना ज़्यादा WhatsApp से प्यार करते हैं, कितना ज़्यादा WhatsApp को यूज़ करते हैं। तो एक बात मुझे पता चल रहा है कि आखिर एक दिन ज़रूर आएगा कि आपका प्राइवेट इन्फॉर्मेशन भी ठेले में बिक रहा होगा। जैसे आलू ले लो, कांदा ले लो, उसी तरीके से डाटा ले लो, बैंक अकाउंट नंबर ले लो, क्रेडिट कार्ड नंबर ले लो, पासवर्ड्स ले लो, इस तरीके से एक दिन ठेले में आपका इन्फॉर्मेशन बिक रहा होगा। वैसे भी बिक रहा है, डार्क वेब में आप जाएंगे तो कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डार्क वेब में बेचा जा रहा है। और आप क्या एग्री करते हैं इस डिसीजन को लेके, ज़रूर कमेंट करना। आपने एग्री किया या फिर नॉट नाउ किया, वो भी आप कमेंट ज़रूर कीजिए। अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में इस वीडियो को जल्दी जल्दी फैला दीजिए ताकि उन लोगों को पता चला बहुत बुरा उन लोगों के साथ होने वाला है। और दोस्तों, अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट को विजिट किया है, वहाँ पर हमने और भी ज़्यादा डिटेल से इसके बारे में बात किया है। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मिल जाएगा। तो वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नए और डिस्टर्ब वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।